अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सरफराज और आप देख रहे हैं MS फिशिंग टीवी। तो भाई आज भी प्रोग्राम दो दरिया का ही है और आज चारे में तो कुछ लेके नहीं आया, खाली जाल लेके आया हूँ। इरादा है कि यहीं से बोई पकड़ेंगे और उस पर खाली घिसर की ही ट्राई करेंगे और किसी मछली को आज टारगेट नहीं करना, खाली घिसर का ही आज नंबर है। और अपनी किस्मत अच्छी हुई तो कोई घिसर आएगा, अगर घिसर की किस्मत अच्छी हुई तो वो बोई खा के जाएगा। तो चलें जाल से पहले बोई पकड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ हाथ लगता है। भाई ये बना रखी थी यहाँ की डोर, ये पट्टी वजन और बोई जो हाथ आ गई उसको लगा दिया, जिंदा बोई है। इसको अब फेंकते हैं पानी में। बोई तो अभी इतनी नज़र आ नहीं रही, एक ही बोई मिली थी वो हमने लगा दी। अभी ये केकड़ा बैठा हुआ है नीचे यहाँ पे, ये फंदा बनाया इसके लिए केकड़े को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये केकड़ा आ गया फंदे में, इसको ट्राई करेंगे। दो केकड़े हमने फंदा लगाकर पकड़ लिए, एक लगा दिया कांटे में और एक ये रखा हुआ है। अभी जब तक बोई नहीं आती तो इस पर ट्राई करते हैं, क्योंकि बोई अभी है बहुत दूर, वहाँ तक जाल की रेंज है नहीं। थोड़ा करीब आ जाए तो फिर जाल से बोई पकड़ेंगे। अभी वैसे एक लगाई हुई है, देखते हैं इस पर। वैसे तो लग रहा है जैसे डोर फंसी हुई हो, फिर भी इसको छोड़ा हुआ क्योंकि ये ज़िंदा चारा है, तो इस पर चांस है कोई मछली आके मुँह मारेगी। भाई माशाल्लाह हमारे सरफराज भाई ने अभी अभी बोई की डोर लगाई थी और फेंकते के साथ ही माशाल्लाह घिसर आया। सरफराज भाई ऊपर करें थोड़ा सा, बहुत ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन, लाजवाब। और दूसरी बात ये कहूँगा मैं अपने सब्सक्राइबरों से कि इनका ही चैनल देख के मैंने चैनल बनाया था। माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं सरफराज भाई और इन्होंने आज माशाल्लाह मुझे लाइव घिसर निकाल के दिखाया, बेहतरीन। और सरफराज भाई क्या करा, कैसे लगाई थी डोर बताओ भाई। इसके लिए मैं आया था 4 बजे से, सही है, बोई की कोशिश कर रहा था, बोई तो मिल नहीं रही थी। हाँ हाँ, तो बोई मिली मुझे 6 बजे आगे, सही है, 6 बजे डोरे लगाना शुरू की, दूसरी डोर ये लगाई थी और उस पर ये दाना आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह यार ज़बरदस्त सरफराज भाई, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। सरफराज भाई ये इससे पहले लगाई थी जिंदा बोई, सही है, जिंदा बोई पर तो कुछ हुआ नहीं, सही, तो ये बोई मर चुकी थी। अभी पकड़ी मैंने, ये भी ताज़ा, ये ताज़ा बोई थी ये, माशाल्लाह, लेकिन ये मर चुकी थी, उस पर आया। बहुत बेहतरीन सरफराज भाई, लाजवाब। डोर डालते ही आ गया, पहले इतनी देर से डोर डाली हुई थी जिंदा बोई की, उस पर नहीं आया, ये मरी हुई बोई, बस डोर डालते ही फिट हो गया था। तो माशाल्लाह सरफराज भाई का चैनल भाई कौन से सन में बनाया था, तकरीबन 3 साल हो गए, 3 साल इनके चैनल को हो गए माशाल्लाह। मैं भी शकील, यानी मैं शकील, मैं इनकी वीडियो देख के ही और पसंद करता था माशाल्लाह, इन्हीं की वीडियो देख के मैंने चैनल बनाया था। और आज सरफराज भाई ने भाई माशाल्लाह घिसर दिखाया, बहुत खुशी हुई, बहुत बेहतरीन सरफराज भाई, एंड हो गया, एंड हो गया, बेहतरीन। दोस्तों सरफराज भाई को अभी अभी घिसर आया था, हम बात ही कर रहे थे तो घिसर की माशाल्लाह से भाई ज़बरदस्त घिसर आया था। सरफराज भाई अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला देगा यार, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन भाई। अचानक हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे तो मछली आया, डोर रुक नहीं रही थी इनसे, जाया हो गया, खींचा है ना। हाँ बताएं बताएं भाई, आज मैं आया था घिसर की ट्राई में, खाली एक डोर जाल ये ले गया था, इसके अलावा केकड़ा भी ट्राई किया था, केकड़े पे तो कुछ हुआ नहीं। और वही आज जो है वो थोड़ी दूर थी, रेंज में नहीं आ रही थी जाल की रेंज में, सही है, इस वजह से खाली 3 या 4 बोइयां पकड़ी थी, उसमें 3 पे स्ट्राइक हुई अच्छी, एक पे निकल आया घिसर, वो मैं आपको दिखाऊंगा एंड में इंशाल्लाह। और 2 जो हैं वो मिस हो गए, जिस तरह अभी ये मिस हुआ है इसी तरह 2 मिस हो गए, एक तो फिट हो के पत्थर में चला गया, डोर काफ़ी आ गई थी आगे, उसके बाद वो पत्थर में बैठा तो फिर नहीं निकला। तो हमने कोशिश तो की आज कि घिसर दिखाएं, एक घिसर तो मिल गया हमें, मजीद ये आखिरी डोर लगाई हुई, अगर इस पर कुछ आ जाता है तो। अच्छा सरफराज भाई आपकी जो आने की टाइमिंग थी वो क्या थी यहाँ पर जब आए आप? मैं आया तो 4 बजे था, सही, और पहली डोर मैंने 4 बजे ही लगा दी थी, एक बोई मिल गई थी, सही, उसके बाद जो बोई मिली वो मुझे मिली 6 बजे, 2 घंटे बस ऐसे ही बोई के चक्कर में घूमते रहे, बोई नहीं आ रही थी जी, और स्ट्राइक जो है वो अच्छी ताज़ा बोई पे हो रही थी, जिंदा बोई पे ज़्यादा चाल हो रही थी,
सही सही माशाल्लाह, इस वजह से जिंदा बोई के चक्कर में थे। और दोस्तों दोस्तों अभी भी इनको एक घिसर आया हुआ है और डोरी बेंड कर दिया है, तो ये है कि कोशिश में लगे हुए सरफराज भाई। और रात के तकरीबन अभी 9 बज रहे हैं और देखते हैं क्या एंड तक जो भी लगता है आप लोगों से पूरी कंप्लीट वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। और शकील और मैं कई दफ़ा एक साथ आ चुके हैं, लेकिन आज वीडियो हमने पहली दफ़ा एक साथ बनाई, वो भी ये शक्ल इनके सामने नहीं आ रही, खाली आवाज़ आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही। सही सही दोस्तों, बहुत नाइस बंदे हैं, बहुत नाइस मैन माशाल्लाह। और मैं मेरा इन्होंने मेरे चैनल को चलाने के लिए बड़ा साथ दिया है और कभी भी कैमरे के सामने नहीं आए, मगर इन्होंने बैक पे मेरा जो साथ दिया है ना मेरे चैनल को सेट करने में, मेरे चैनल के कोई भी मामला थे, वीडियो कितनी बनानी है और वीडियो को कैसे बनाना है, मैं पहले उल्टी करके वीडियो बनाया करता था, मुझे नहीं पता था, तो यही शख्स हैं जिन्होंने मुझे सब सिखाया। और इंसान जो है ना किसी का अगर वो उसको एहसान कर रहा है तो उसके एहसान को यानी वो नहीं करे, इनका बड़ा मेरे पर भाई बहुत एहसान है, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया माशाल्लाह, बहुत नाइस बंदे सरफराज सर। नहीं नहीं भाई देखो जो सच बात है, आज मेरे माशाल्लाह 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो भाई ये बहुत साथ दिया इन्होंने, तो इस मामले में जो है ना बहुत खुशी है मेरे को सरफराज भाई की जो हौसला अफजाई मेरी करी। सही है सरफराज भाई, भाई एक गिसर लगाया आज और इसके अलावा स्ट्राइक तो हुई थी, 2-3 स्ट्राइक हुई लेकिन मिस हो गई, ये एक ही बार आ सका और गिसर का तजर्बा कामयाब रहा, फिर कभी इंशाल्लाह दोबारा इसको ट्राई करेंगे। आज मसला ये था कि बोई नहीं मिल रही थी, बोई जो थी वो रेंज से दूर थी और जाल वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था, किनारे के करीब बोई कम आ रही थी, इस वजह से बोई नहीं पकड़ सके, तो कोई ख़ास काम भी नहीं बना, लेकिन कामयाबी मिली घिसर के शिकार की। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।